हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलकेवी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस लाइव स्ट्रीमिंग में हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हम आगे वाली क्लासेस में और काफ़ी काफ़ी सारे एंट्रेंस में भी ये हमें यूज़फुल होगा। अगर हम आगे हायर एजुकेशन में भी कभी केमिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ भी हमें इक्वेशंस को, जो केमिकल इक्वेशंस होती है, उन्हें बैलेंस करना हम आना चाहिए। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम कई सारे मेथड से उस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज के इस लाइव स्ट्रीम में हम दो मेथड सीखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। पहला मेथड होगा हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा होगा ABCD मेथड। ये दोनों मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करने, और ये बहुत बेसिक मेथड होते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, खास तौर से जो स्टूडेंट्स हमारे हमारे क्लास टेंथ में हैं और जो टेंथ का एग्ज़ाम देने वाले हैं या ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे भी जो भी इंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे, तो सभी स्टूडेंट को ये बैलेंसिंग हमें आनी चाहिए। तो आज हम पूरी तरीके से इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना हम सीखेंगे। पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, उसके बाद हम ABCD मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम पहले केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो इस ये जो हमारा मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, सिर्फ इसमें एक हमें रूल याद रखना है, छोटा सा रूल ये है कि हमें जो मेटल होगी हमारी, हमें इसमें सिर्फ एक छोटा सा रूल हमें ये याद रखना है कि हमें सबसे पहले मेटल को लिखना पड़ेगा, उसके बाद नॉन मेटल को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हाइड्रोजन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन। अगर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले जो हमारे एलिमेंट है उन्हें हमें कुछ इस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है सबसे पहले हम मेटल को लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल को लिखेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन को लिखेंगे। तो आप सभी को अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। तो सभी को पता होगा कि मेटल हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, और ऐसे एलिमेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। जैसे मेटल में हमारा आयरन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, हमारा स्कैंडियम आ जाएगा। तो मेटल हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज हमारी वही मेटल करती है जिसके लास्ट सेल में हमारे, या तो हमारे लास्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। और नॉन मेटल जैसे हमारा सल्फर है और भी हमारे कई सारे हैं, वो हमारे नॉन मेटल मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन कौन करता है, जिसके लास्ट सेल में या तो 5 हमारे इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो मेटल हमें याद रखना है ऐसे एलिमेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉन को लूज करें, और लूज कौन करेगा, जिसके लास्ट सेल में हमारे या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन कौन करेगा, जिसके लास्ट सेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम सभी को पहले ये पता होना चाहिए कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। तो हमने यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिया, हम इसे हम बैलेंस करके देखेंगे। तो हम इस मेथड से कम से कम 5 केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, और ये जो 5 इक्वेशन से हमें हर टाइप इक्वेशन हमें आ जाएगी, फिर हमें कैसे ही केमिकल इक्वेशन दे दी जाए, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने पहले इक्वेशन लिए Fe2O3 प्लस Al, एरो लगा के Al2O3 प्लस Fe। आप सभी जानते हैं कि जो एरो के जो लेफ्ट साइड होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के जो हमारे राइट साइड होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट क्या करते हैं कि आपस में रिएक्शन करके हमारे हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं। फिलहाल हमें यहाँ बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग होती क्या, कॉमनली बैलेंसिंग सिर्फ इतना है कि रिएक्टेंट में और हमारे रिएक्टेंट और हमारे प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उनके आगे हमें सेम नंबर करना है। सेम नंबर करने का मतलब है जैसे यहाँ है Al2O3,
यानी कि यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, टू है, क्योंकि यहाँ एल टू लिखा है और यहाँ हमारा सिंगल एल लिखा है। तो कहने का मतलब है जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें एल्यूमिनियम के दो एटम है और यहाँ एल्यूमिनियम का एक एटम है। इसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन थ्री है, यहाँ ऑक्सीजन थ्री, तो ऑक्सीजन तो सेम नंबर में है। और आयरन, आयरन यहाँ रिएक्टेंट में कितने दे रखे हैं, टू आयरन दे रखे हैं और यहाँ कितने हमारे, यहाँ प्रोडक्ट में वन दे रखा है। तो बैलेंसिंग करने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट और जो हमारा यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उनके जो एटम है उनके नंबर सेम करने हैं। कहने का मतलब है जितने एल्यूमिनियम यहाँ है उतने एल्यूमिनियम यहाँ करने हैं और जितने ऑक्सीजन यहाँ उतने ऑक्सीजन यहाँ करने हैं और जितने आयरन यहाँ उतने आयरन यहाँ करने हैं। तो हम सीखते हैं बैलेंसिंग हम करते कैसे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मेटल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा आयरन मेटल है, आयरन क्या है हमारा मेटल और उसी तरीके से एल्यूमिनियम भी है। तो सबसे पहले आयरन हम लिख लेते हैं इस तरीके से, आयरन लिखा, आयरन के बाद हम क्या लिखेंगे एल्यूमिनियम। अगर कोई नॉन मेटल है तो हम नॉन मेटल लिखेंगे, अगर नॉन मेटल नहीं है तो कोई बात नहीं। तो नॉन मेटल यहां तो वैसे कुछ है नहीं, तो देखो सबसे पहले हमें मेटल हमें लिखना है, तो ये हमने मेटल लिख ली। उसके बाद हमें नॉन मेटल लिखना है, नॉन मेटल इसमें कोई नहीं है। फिर हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन है या नहीं, तो इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है। फिर हम फोर्थ नंबर पे देखना है कि ऑक्सीजन है या नहीं, तो यहाँ ऑक्सीजन है इसमें, तो इसमें ये जो पूरी केमिकल इक्वेशन दे रखी है इसमें सिर्फ हमारे तीन हमारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, थ्री एलिमेंट, एक हमारा आयरन है, एक हमारा एल्यूमिनियम है, एक हमारा ऑक्सीजन है। तो हम कुछ इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन, इस तरीके से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमारा पहला वाला कॉलम है इसमें हम लिखेंगे रिएक्टेंट के, मतलब रिएक्टेंट में कितने एटम, और जो ये वाला हमारा कॉलम है सेकंड हमारा कॉलम है इसमें हम लिखेंगे प्रोडक्ट के। जैसे रिएक्टेंट में हमारे यहाँ आयरन कितने हैं, टू है, Fe2 लिखा है, इसका मतलब टू आयरन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू। और यहाँ आयरन कितना है, वन, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वन। इसी तरीके से हम अगर रिएक्टेंट में देखें, रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम कितना है, वन, और अगर हम यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट में, तो यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, टू, Al2 लिखा है, इसका मतलब टू एल्यूमिनियम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, थ्री, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, थ्री। तो ये जो हमने यहाँ लिखे हैं ये है हमारे प्रोडक्ट, ये है हमारे रिएक्टेंट के और ये है हमारे प्रोडक्ट के एटम। अब हम देखेंगे यहाँ आयरन कितने हैं, टू, जो हमारा रिएक्टेंट है यहाँ आयरन कितने हैं, टू, और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट में मतलब आयरन है यहाँ कितने हैं, वन। तो वन को हमें टू करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। टू से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हम यहाँ क्या लिखेंगे इसका भी, टू। तो यहाँ टू आयरन हो गए और यहाँ भी टू आयरन है, तो आयरन बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं, वन, यहाँ का मतलब रिएक्टेंट में हमारे एल्यूमिनियम कितने हैं, वन, और हमारे प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितने हैं, टू। तो हमें यहाँ भी वन से क्या, यहाँ हमें टू से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि टू वन से कितना होगा, टू, तो यहाँ एल्यूमिनियम के आगे हमें कितना लिखना पड़ेगा, टू, तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस। और ऑक्सीजन यहाँ भी थ्री है पहले से, यहाँ भी थ्री है, तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो यहाँ Fe2 है यानी कि आयरन 2 है, ठीक है, और यहाँ भी 2 Fe हो गया, यहाँ भी हमारे आयरन बैलेंस है। उसके बाद यहाँ हमारे एल्यूमिनियम 2 हो गए और यहाँ भी एल्यूमिनियम कितने हमारे, 2। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हमारे, 3, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यही हमने पहली केमिकल इक्वेशन ली थी जिसे हमने बैलेंस करके देखा हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब हम दूसरी केमिकल इक्वेशन लेंगे जिसे बैलेंस करके देखेंगे। हम सेकंड केमिकल इक्वेशन नोट करते हैं, सेकंड केमिकल इक्वेशन है BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज,
एरो लगा के हम लिखेंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बी ए एस ओ फोर प्लस ए एल सी एल थ्री, ए एल सी एल थ्री। तो ये हमने अब केमिकल इक्वेशन लिख ली, अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो अगर हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें इस रूल से चलना है। हमारा रूल कहता है पहले हमें मेटल लिखना है, फिर नॉन मेटल लिखना है, फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, वरना फिर हम ऑक्सीजन लिखेंगे। तो पहला रूल कहता है मेटल, तो यहां मेटल कौन सी है हमारी, बेरिलियम है मेटल, और हमारा एल्यूमिनियम भी क्या है मेटल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां बेरिलियम, उसके बाद यहां हमारा एल्यूमिनियम भी है, ये भी क्या हमारा मेटल है, मेटल लिख लिया। अब हम नॉन मेटल देखेंगे, क्या नॉन मेटल है हमारा कोई, तो हाँ ये हमारा क्लोरीन में नॉन मेटल है, ये हमारा सल्फर में नॉन मेटल है। तो हम क्लोरीन और सल्फर में से हम किसी को भी लिख सकते हैं, जिसे लिखेंगे उससे कोई हम मिस्टेक नहीं। तो हम पहले सल्फर लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्लोरीन लिखेंगे। अब क्या बचा, अब हमारा यहाँ एक ऑक्सीजन और रह गया। वैसे भी हमें मेटल लिखना होता है नॉन मेटल, हाइड्रोजन है तो फिर हाइड्रोजन लिखते हैं, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में ऑक्सीजन लिखते हैं। तो हम अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में, ऑक्सीजन लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें पहले लिख लेना है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो पहला वाला कॉलम हमारा है, पहला वाला कॉलम है हमारा रिएक्टेंट के लिए, और ये जो दूसरा वाला कॉलम है, ये दूसरा वाला कॉलम है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो हम पहले रिएक्टेंट देखेंगे, तो ये रिएक्टेंट में बेरियम यहां कितना वन, और यहां हमारे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कितने हैं वन, तो दोनों तरफ वन वन है हमारा बेरियम। अब एल्यूमिनियम हमारे रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट, दो है हमारे एल्यूमिनियम, यहां कितने Al2, Al2 का मतलब यहां हमारे टू एल्यूमिनियम है, और यहां सिंगल Al है, यानी कि यहां सिर्फ वन एल्यूमिनियम है। और यहां हमारे सल्फर कितने हैं, ये होल होल के बाद लगा थ्री, इसे क्या पढ़ते हैं होल होल थ्राइस पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ ये थ्री की मल्टीप्लाई सल्फर से होगी, तब हम बोलेंगे कितने सल्फर है, थ्री सल्फर है, क्योंकि ये होल पर लगा थ्री। तो यहाँ सल्फर कितने है थ्री, और हमारे प्रोडक्ट में सल्फर कितना है वन। अब क्लोरीन देखेंगे, यहाँ हमारे रिएक्टेंट में हमारी क्लोरीन कितनी है टू, यहाँ हमारी क्लोरीन कितनी है थ्री। अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन अंदर तो फोर है, ओ फोर लिखा मगर होल में क्या है थ्री, तो थ्री की फोर में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, थ्री फोर सा ट्वेल्व, यानी कितना ट्वेल्व ऑक्सीजन है। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है ओ फोर लिखा, यानी कि यहाँ कितनी ऑक्सीजन है हमारी फोर। अब हम देखते हैं बेरियम वन, यहाँ वन तो ठीक है, एल्यूमिनियम हमारा रिएक्टेंट में तो टू है मगर यहाँ कितने एल्यूमिनियम सिंगल है, तो यहाँ एल्यूमिनियम वन है, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं टू, तो हम वन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू से, अब वन टू से कितना हो जाएगा टू, यानी कि टू एल्यूमिनियम यहाँ टू एल्यूमिनियम यहाँ। यहाँ वन में टू से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये वाला जो कॉलम है ये हमारे किसका मतलब प्रोडक्ट में, कहने का मतलब है हमने प्रोडक्ट में जहाँ एल्यूमिनियम था वहां टू से मल्टीप्लाई कर दी, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे टू। तो एल्यूमिनियम भी दोनों तरफ टू टू हो गए, बेरियम भी टू टू हो गए। अब हम सल्फर दे रखेंगे, सल्फर हमें यहाँ कितने दे रखे हैं, सल्फर थ्री है, सल्फर एसओ फोर का होल थ्राइस था, यहाँ कितने सल्फर थे थ्री सल्फर थे, यहाँ कितने सल्फर सर वन है हमारा सिर्फ, तो हम यहाँ क्या कर देंगे इंटू थ्री कर देंगे। अब थ्री सल्फर यहाँ हो गए, थ्री सल्फर यहाँ, तो इसका मतलब हमें आगे लिखना पड़ेगा सल्फर, तो थ्री सल्फर यहाँ हो गए। अब हम देखेंगे क्लोरीन, अब यहाँ हमारे क्लोरीन कितने हैं, यहाँ हमारे क्लोरीन टू है, और यहाँ हमारे क्लोरीन कितने हैं, यहाँ हमारे क्लोरीन सिक्स हैं। सिक्स कैसे, अभी टू की अब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस टू की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। यहाँ पहले ऑक्सीजन को हम क्लोरीन या ऑक्सीजन में से पहले हम यहाँ बोलते किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे अब तक बेरियम बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम सल्फर, अब हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, थ्री की फोर से अगर हम मल्टीप्लाई करें थ्री फोर से कितना होगा ट्वेल्व, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन ट्वेल्व है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं थ्री की फोर से करेंगे ट्वेल्व, यहाँ अगर थ्री की हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ट्वेल्व, यानी कि यहाँ हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है दोनों तरफ ट्वेल्व। अब हमारा सीएल रह गया, यहाँ सीएल कितने हमारे टू, और यहाँ सीएल कितने हमारे सिक्स, यहाँ देखिए ये टू की जब इसे मल्टीप्लाई होगी कितने सिक्स, और यहाँ तो हम आगे क्या लिखना पड़ेगा थ्री, तो यानी कि ये जो सीएल टू था यहाँ हमारे, यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी थ्री से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टू से कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स सीएल हो गया, और यहाँ भी ये टू थ्री से कितना हो जाएगा सिक्स, यहाँ भी कितने सीएल हो गए सिक्स सीएल हो गए। तो ये हमारे केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये थ्री। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ थ्री बेरिलियम है, यहाँ भी थ्री
थ्री हमारे बेरियम है, यहाँ सिक्स सी एल हमारे, यहाँ भी सिक्स सी एल है, यहाँ टू एल्यूमिनियम है हमारे, यहाँ भी टू एल्यूमिनियम है, और यहाँ थ्री सल्फर है, यहाँ भी थ्री सल्फर है, यहाँ 12 ऑक्सीजन है, यहाँ भी हमारे 12 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब हम थर्ड केमिकल इक्वेशन लेंगे, हम लिखेंगे थर्ड केमिकल इक्वेशन। थर्ड केमिकल इक्वेशन हमारी HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो लगाएंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस H2O। तो ये हमारी थर्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे हम, ये जो हमारी थर्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। तो अगर हमें इस केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है तो हमें सबसे पहले मेटल लिखनी पड़ेंगे, उसके बाद हमें नॉन मेटल लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर फोर्थ नंबर में हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। तो बस हमें इस रूल को हमें माइंड में लर्न रखना है, तो हम आसानी से हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। पहला पॉइंट हम बोलता है कि मेटल लिखो, तो यहां मेटल क्या हमारी, यहां मेटल हमारी कैल्शियम है, यहां क्या हमारी मेटल कैल्शियम है हमारी। उसके बाद नॉन मेटल की बात आती है, तो यहां नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन लिख दिया। तो सबसे पहले मेटल आ गई, फिर नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, तो यहाँ क्या हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीजन लिखते हैं अगर है तो यहाँ ऑक्सीजन है, हाँ ऑक्सीजन है, तो हमने ऑक्सीजन लिख दी। फिर हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाला जो कॉलम है ये हमारा रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट को हम मतलब शो करेगा, ये वाला मतलब प्रोडक्ट को। तो हम यहां रिएक्टेंट के बारे में लिखेंगे, तो रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना, सिर्फ 1 है, यहां कैल्शियम कितना 1, और हमारे प्रोडक्ट में कितना कैल्शियम, यहां भी 1 है। और रिएक्टेंट में हम अगर नाइट्रोजन देखें, यहां नाइट्रोजन कितना, सिर्फ 1 है, सिंगल अप, और यहां नाइट्रोजन कितने हैं, यहां होल ट्वाइस लगा है, यानी कि 2 की इस नाइट्रोजन, ये 2 की इस n से मल्टीप्लाई होगी, तो यहां कितनी नाइट्रोजन है हमारे, 2 है। हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन 1 है, और ये होल पर लगा है, तो 2h हो जाएंगे, होल ट्वाइस है, तो 2 की मल्टीप्लाई इस h में होगी, तो कितने h हो जाएंगे, 2h और 1h ये, तो यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन ये होल ट्वाइस है, ये तो 2 की जब O से मल्टीप्लाई होगी कितने हो जाएंगे, 2O, यानी कि 2 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 5, और यहाँ कितने ऑक्सीजन, 2 की इस 3 से मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन ये हो गया और 1 ऑक्सीजन ये हो गया, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन होगा, 7। अब हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे, कैल्शियम यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जगह कैल्शियम 1 है। अब नाइट्रोजन हमारे रिएक्टेंट में तो 1 है, मगर हमारे प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन है, 2, तो हम यहां क्या कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए। अब हाइड्रोजन हम देखेंगे, यहां हमने 3 थे पहले, हाइड्रोजन पहले कितने थे, यहां 3 थे, मगर अब हम देखेंगे कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन ये है हमारे, 2 हाइड्रोजन ये है, तो यहां हमारे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। हम राइट साइड हम अपने अंदर हाइड्रोजन चेक करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, अभी भी 2 है अभी हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हाइड्रोजन, 4 है, तो हम 2 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, अभी 2 टू से कितना हो जाएगा, 4, 4 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ हमारे ऑक्सीजन पहले 5 थे, अब हम चेक करेंगे कितने हो गए,
टू थ्री या सिक्स, सिक्स ये होगा मेरा ऑक्सीजन और टू ऑक्सीजन ये, तो यहां हमारे कितने ऑक्सीजन हो गए, एट ऑक्सीजन। अब हम चेक करें तो प्रोडक्ट में कितने हो गए, टू थ्री या सिक्स, सिक्स ऑक्सीजन ये और टू की इस ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई तो टू ऑक्सीजन यहां पर, तो टू ऑक्सीजन इधर है सिक्स ऑक्सीजन इधर है, तो यहां भी कितने हो गए एट ऑक्सीजन हो गए। तो ये थर्ड नंबर की हमारी केमिकल इक्वेशन थी जिसे हमने बैलेंस करा। हम यहां चेक कर सकते हैं यहाँ हमारे टू हाइड्रोजन इधर, फोर हाइड्रोजन है हमारे रिएक्टेंट में, और यहाँ ये जो टू की टू से मल्टीप्लाई हो कितनी, फोर हाइड्रोजन हमारे इधर भी है। उसके बाद नाइट्रोजन चेक करेंगे, यहाँ हमारे टू नाइट्रोजन हो गए और यहाँ भी हमारे कितने नाइट्रोजन है, टू नाइट्रोजन में बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ टू हाइड्रोजन इधर है, टू हाइड्रोजन इधर, यानी कि रिएक्टेंट में फोर हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन चेक करेंगे टू टू जो फोर, फोर हाइड्रोजन हमारे इधर है। ऑक्सीजन चेक करेंगे टू ऑक्सीजन इधर है, सिक्स ऑक्सीजन इधर है, एट ऑक्सीजन यहाँ भी, सिक्स ऑक्सीजन इधर है, टू ऑक्सीजन इधर है, एट ऑक्सीजन इधर। तो ये जो हमारी थर्ड नंबर की केमिकल इक्वेशन थी हमें, हमने इसे बैलेंस कर लिया। अब हमारी फोर्थ नंबर की केमिकल इक्वेशन, फोर्थ नंबर की केमिकल इक्वेशन क्या है हमारा, एल्यूमिनियम है प्लस CuCl2 है हमारा, और एरो लगाएंगे AlCl3 है प्लस Cu। ये हमारी फोर्थ नंबर की केमिकल इक्वेशन है, हमें इसे बैलेंस करना, और हमें इसे हमें किस, इसे किस मेथड से बैलेंस करना, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो अगर हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो हमें सबसे पहले इस रूल को अपने माइंड में बिल्कुल लर्न कर लेना, क्या रूल है, पहले हमें मेटल को लिखना है, फिर हमें नॉन मेटल को लिखना है, फिर हमें हाइड्रोजन को लिखना है, फिर हमें ऑक्सीजन। मैंने शुरू में ही बता दिया मेटल क्या, ऐसे एलिमेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें मेटल कहते हैं, और हम इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, जिसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या वन इलेक्ट्रॉन है, या टू इलेक्ट्रॉन हो, या थ्री इलेक्ट्रॉन हो। फिर नॉन मेटल मैंने बताया था, उन मेटल को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन कौन करेगा, जिसके लास्ट शेल में है तो फाइव इलेक्ट्रॉन हो, या सिक्स इलेक्ट्रॉन हो, या सेवन इलेक्ट्रॉन हो। फिर हमारा हाइड्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन। तो ये रूल याद रखना, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये रूल याद है अगर हमें, तो हम आसानी से हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले एलिमेंट कौन, यहाँ मेटल कौन से हैं, तो एल्यूमिनियम वाला मेटल है तो एल्यूमिनियम लिखेंगे, उसके बाद कॉपर मेटल है तो कॉपर लिखेंगे, फिर हम नॉन मेटल लिखेंगे, तो नॉन मेटल कौन है, यहाँ सीएल है तो हम सीएल लिख लेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, वरना ऑक्सीजन लिखेंगे। तो ना यहाँ हाइड्रोजन, ना यहाँ हमारा ऑक्सीजन है, तो ये हमारे तीन दे रखे हैं, तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहां लिखेंगे रिएक्टेंट के एटम, यहां लिखेंगे हम किसके, यहां हम लिखेंगे प्रोडक्ट के एटम। तो यहां हमारा एल्यूमिनियम कितने हैं, यहां एल्यूमिनियम वन है यहां हमारा, तो वन, और यहां हमारे कितने एल्यूमिनियम वन है यहां पर भी, यहां कॉपर कितने हैं हमारे वन, और यहां कॉपर कितने हैं हमारे वन, यहां हमारे सीएल कितने हैं टू, और यहां हमारे सीएल कितने हैं थ्री। तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बैलेंस है, कॉपर और कॉपर भी बैलेंस है, मगर यहां सीएल टू है, यहां हमारे सीएल कितने हैं थ्री है, तो हम कैसे करें सही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ये जो हमारे Cl3 है, यहाँ Cl कितने हैं थ्री, यहाँ हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, टू से करेंगे। जब हम यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Cl कितने होगा सिक्स, यहाँ Cl कितने होगा थ्री, तो थे पहले से ही, टू से हमने मल्टीप्लाई कर दी, कितने होगा सिक्स, जबकि यहाँ कितने हमारे Cl2 है, तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी थ्री से, यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी थ्री से। अभी थ्री की जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सिक्स Cl, कितने Cl 6Cl, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ कितने Cl हो जाएंगे, यहाँ भी 6Cl। मगर अब हम अगर चेक करें एल्यूमिनियम को देखें, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 1, जबकि यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहाँ कितने हो गए एल्यूमिनियम 2,
और यहाँ कितना एल्यूमिनियम, वन, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारे एल्यूमिनियम कितने हुए, टू, यहाँ भी हमारे एल्यूमिनियम कितने हुए, टू। अब हम कॉपर चेक करेंगे, यहाँ हमारे कॉपर कितने हुए, थ्री, यहाँ हमारे कॉपर कितने हुए, थ्री, यहाँ कॉपर कितने हैं, सिर्फ वन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आएगा, थ्री। अब ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस हो गई। चेक करते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम टू है हमारे, यहाँ भी एल्यूमिनियम टू हो गए, यहाँ थ्री कॉपर है हमारे, यहाँ भी थ्री कॉपर हो गए, और यहाँ Cl कितने हैं, थ्री की टू से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स Cl, यहाँ Cl कितने हैं, टू की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स Cl।